सेबर टू टाइगर वर्सेस गोट। वो एक बहुत ही सुंदर और शांत जंगल था। जंगल के सारे जानवर बहुत ही खुश थे। उसी जंगल में एक बकरी थी जिसके बड़े बड़े सींग थे। बकरी गर्भवती थी। एक दिन हिरन, हाथी और बकरी बातें कर रहे थे कि तभी लोमड़ी वहाँ भागी भागी आती है। वो बहुत ही डरी हुई थी। ये देखकर हाथी पूछती है, अरे लोमड़ी, तुम्हें क्या हुआ? क्यों इतनी डरी हुई हो? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अरे हाथी बहन, क्या बताऊँ, जंगल में एक सेबर दांत वाला बाघ आया है। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं तुम सबको सावधान करने आई हूँ। तुम सब अपना अपना ख्याल रखना। बेवजह जंगल में मत घूमा करो। ये सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं। तब बकरी कहती है, हे भगवान, अब हम क्या करें? मेरे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। चलो हम सब अपनी अपनी गुफाओं में चले जाते हैं। अरे बकरी, तुम अपना ख्याल रखना। वैसे आज या कल तुम्हारा बच्चा आने वाला है। हाँ, समय समय पर तुम्हारा हाल जानते रहेंगे हम सब। यू सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर सेबर दांत बाघ जंगल में तबाही मचा रहा था। वो कई सारे जानवरों का शिकार कर देता है। सेबर दांत वाला बाघ अपने मन में सोचता है, ये जंगल तो जानवरों से भरा पड़ा है। मुझे शिकार करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज से मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। मत से बड़ा ताकतवर और कोई है भी नहीं। दूसरी ओर जानवर अपनी अपनी गुफाओं में भूख और प्यास के मारे तड़प रहे थे। वो भोजन ढूंढने भी नहीं जा पा रहे थे। एक दिन हाथी चुपके से हिरन के पास जाती है और कहती है, अरे हिरन, कैसी हो? क्या तुम भोजन ढूंढने जा रही हो? कैसी बातें कर रही हो दोस्त? जंगल में सेबर दांत बाघ घूम रहा है। अगर मैं भोजन ढूंढने जाऊंगी तो मेरे भोजन को छोड़ो, मैं खुद उस बाघ का भोजन बन जाऊंगी। हाँ, सही कहा तुमने। पर सोचो जरा, हमारा हाल ऐसा है तो बकरी का हाल कैसा होगा? ऊपर से वो गर्भवती है। पता नहीं बेचारी क्या खा रही होंगी। हाँ, मुझे भी उसी की चिंता खाए जा रही है। पर हम क्या करें? चलो हम दोनों मिलकर उसके पास जाते हैं। अरे अरे, पर वो बाघ आ गया तो? कि इतने में वहाँ कौवा आता है और कहता है, चिंता ना करो, मैं आसमान में उड़ते हुए रास्ते पर नजर रखूंगा। अगर कोई खतरा नजर आए तो मैं तुम दोनों को आगाह कर दूंगा। यूं वो बकरी के पास जाते हैं। बकरी एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। ये देख हाथी और हिरन बहुत ही खुश हो जाते हैं। तब हाथी कहती है, अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है। हाथी बहन, मेरा बच्चा भूखा है, मुझे भोजन ढूंढने जाना होगा उसके लिए। हमें भी तो बहुत भूख लगी है। चलो हम कौवे की मदद से भोजन ढूंढते हैं और जल्दी वापस आ जाते हैं। देखो बेटा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, गुफा से बाहर मत आना। ये कहकर हाथी, हिरन, बकरी भोजन ढूंढने जाते हैं। इधर गुफा में बकरी का बच्चा अकेला था। बकरी को वापस आने में देर हो जाती है। बकरी का बच्चा डर के मारे अपनी माँ को ढूंढते हुए गुफा से बाहर निकल जाता है। जंगल उस बच्चे के लिए एकदम नया था। उसे किधर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी सेबर दांत बाघ उस बच्चे के सामने आ जाता है। बच्चा बाघ को देखकर डर जाता है और रोते हुए अपनी माँ को पुकारने लगता है। बाघ बकरी के बच्चे को देख लेता है और कहता है, अरे वाह, बकरी का बच्चा, इसका मांस तो एकदम मुलायम होगा, इसे खाकर तो बड़ा ही मजा आएगा। इस दौरान हाथी, हिरन, बकरी वहां आ जाते हैं। बकरी अपने बच्चे पर आए मुसीबत को देखकर डर जाती है। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचाओ प्लीज। सब डरे हुए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जैसे ही बाघ बकरी के बच्चे पर वार करने वाला था कि बकरी अपने सिंग से बाघ पर टूट पड़ती है। एक पल के लिए बाघ को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। फिर बाघ बकरी को देखकर कहता है, एक साथ माँ और बच्चे दोनों का शिकार करूंगा, बड़ा मजा आएगा।
देखो बाप, तुम मुझे खा लो पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को खा जाऊंगा। मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कहकर बकरी अपने सिंह से बाघ पर टूट पड़ती है। बकरी बाघ के दोनों दांत तोड़ देती है। बकरी की हिम्मत को देखकर बाकी के जानवरों को भी हिम्मत आ जाती है और वो सब मिलकर बकरी का साथ देते हैं और बाघ पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। अरे वाह बकरी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि जब एक माँ अपने बच्चे को मुसीबत में देखती है तो वह एक भूखी शेरनी बन जाती है। फिर सारे जानवर उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ कैट एंड लायन। एक बार जंगल में एक गर्भवती शेरनी घूम रही थी। वो अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ही खुश थी। वो अपने आप में ही बातें करते जा रही थी। देखो बेटा, तुम इस जंगल के होने वाले राजा हो। मैं तुम्हें बहुत ही ताकतवर और नीडर बनाऊंगी। देखो, तुम हमेशा जंगल में अमन और शांति बनाए रखना। कभी भी किसी भी कमज़ोर पर जुल्म मत करना। यूं वो अपने आने वाले बच्चे से बातें करते हुए जा रही थी कि अचानक सामने से एक गर्भवती बिल्ली भागी भागी आ रही थी। वो बिल्ली मदद के लिए चिल्ला रही थी, बचाओ 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 तो कोई, प्लीज मेरी मदद करो। एक चीता उस बिल्ली का पीछा कर रहा था। शेरनी ये देखकर बिल्ली को रोक लेती है और चीते से कहती है, रुक जाओ चीते, शर्म नहीं आती एक गर्भवती माँ का शिकार करते हुए? छोड़ दो उस बिल्ली को और चले जाओ यहाँ से। अरे तुम्हें इससे मतलब? मुझे सुबह से एक भी शिकार नहीं मिला, मैं तो इस बिल्ली का शिकार करके ही रहूंगा। चलो हटो मेरे रास्ते से। नहीं, मैं भी एक होने वाली माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी बेसहारा पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करो। बिल्ली का शिकार करने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। यूं चीता और शेरनी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। शेरनी घायल हो चुकी थी पर फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। वो चीते को मार डालती है और खुद घायल होकर गिर जाती है। तब बिल्ली शेरनी के पास आकर कहती है, शेरनी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे और मेरे आने वाले बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। शेरनी बहुत ही घायल थी, वो दर्द के मारे सिसक रही थी। शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है और बिल्ली से कहती है, देखो बिल्ली, अब मेरे जाने का वक्त आ रहा है। आज से तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उसका अच्छे से पालन पोषण करना। आज से तुम ही उसकी माँ हो। अलविदा मेरे दोस्त, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। यूँ कहते कहते शेरनी अपनी आखिरी सांसें छोड़ देती है। शेरनी का बच्चा रो रहा था। ये देख बिल्ली कहती है, रो मत बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगी। मैं तुम्हारी माँ के सपने को पूरा करूँगी। बिल्ली शेरनी के बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। बिल्ली शेरनी के बच्चे को शेरा कहकर बुलाती थी, उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। बिल्ली के भी बच्चे होते हैं। ये देख शेरा कहता है, माँ ये देखो मेरे भाई, बिल्कुल मुझ जैसे ही लग रहे हैं ना, कितने प्यारे हैं ये। हाँ, आज से तुम सब मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का साथ देना। शेरा तुम बड़े हो, तुम अपने छोटे भाइयों का अच्छे से ख्याल रखना, उनकी रक्षा करना, और तुम लोग अपने बड़े भाई का भी हमेशा सम्मान करना। यूं वो सारे बच्चे खेलने चले जाते हैं कि तभी वहाँ हिरन और हाथी आते हैं। देखो बिल्ली बहन, मेरी बातों का बुरा मत मानना, पर जो सच है वो है, मैं तुम्हें आगाह करती हूँ, तुम शेरा से अपने बच्चों को दूर ही रखना, वो एक खूंखार जानवर है। हाँ बिल्ली बहन, हिरन सही कह रही है, अपने बच्चों को शेरा से दूर ही रखना। पर बिल्ली किसी की भी नहीं सुनती। वो शेरा और अपने बच्चों को एक समान देखती थी। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं। शेरा बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर राजा बन चुका था। वो बहुत ही दयालु था
इसीलिए जंगल के सारे जानवर उसे बहुत ही पसंद करते थे। एक दिन पास के जंगल से एक लोमड़ी उस जंगल में आती है। उसकी नज़र बिल्ली पर पड़ती है। वो बिल्ली पर टूट पड़ती है कि तभी बिल्ली लोमड़ी से कहती है, अरे लोमड़ी रुको रुको, मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ चुकी है और वैसे भी मेरा शिकार करके तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। मैं अपने बड़े बेटे को छोड़कर नहीं रह सकती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मेरे साथ साथ मेरे बड़े बेटे का भी शिकार कर लो, क्योंकि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता और मैं उसके बगैर नहीं, हम दोनों भी तुम्हारा शिकार बन जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है, एक से भले दो। जल्दी से अपने बेटे को यहाँ बुलाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। रुको, मैं अभी बुलाती हूँ। बिल्ली शेरा को आवाज़ देती है, बेटा शेरा कहाँ हो तुम, जल्दी यहाँ आओ, तुम्हारी माँ मुसीबत में है। लोमड़ी बिल्ली के मुँह से शेरा का नाम सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वाह वाह बिल्ली, तूने तो अपने बेटे का नाम शेरा रख लिया। बिल्ली का बच्चा शेर तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए तू अपने बच्चे को शेरा कहकर खुश हो रही हो। चल इससे मुझे क्या, इन सबसे जल्दी बुला अपने बिल्ले को। बेटा शेरा जल्दी आओ, वक्त नहीं है। शेरा अपनी माँ की आवाज़ सुनकर दहाड़ मारते हुए वहाँ आ जाता है। शेरा को देखकर लोमड़ी डर जाती है। अरे अरे ये क्या बिल्ली, तूने तो मुझे धोखा दिया, मैंने तुझे अपने बेटे को बुलाने के लिए कहा और तूने शेर को बुला लिया। ये मेरी माँ है और मैं इनका बड़ा बेटा हूँ, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी ही माँ का शिकार करना चाहते हो। ये कहकर शेरा लोमड़ी पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। शेरा अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है।